सो गाइस वेलकम बैक टू ऑनलाइन मीडिया। तो ये मैंने एक नोटिस जो है मैंने यहाँ पे साइड में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कुछ बहुत सारे ऐसे या कुछ बोल सकते हैं जो NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है जिससे आप लोगों ने लोन ऑलरेडी लेके रखा है या उनका रिपेमेंट आप लोग नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप लोग डिफॉल्टर हो चुके हो और आपका अकाउंट आपका जो लोन अकाउंट है वो जो है NPA में चला गया है। तो आप सभी को ऐसा नोटिस आता होगा, उसमें एक लोन आईडी वगैरह कुछ लिखा रहेगा या ठीक है, और वहाँ पे नोटिस में ये लिखा रहेगा शाम को 5 बजे तक जो है या 6 बजे तक आप रिपेमेंट कर दो, नहीं तो हमारा जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है जो फील्ड का ऑफिसर जो है वो जो आपके जो एड्रेस दिया हुआ है वो आपके एड्रेस पे वो लोग शाम तक जाके पहुँचेंगे, जल्दी से जल्दी आप लोग जो है रिपेमेंट कर दो। तो आप में से बहुत सारे लोग हो जो डर जाते हो, क्या ये सच में जो है ये नोटिस पे जो लिखा है आपके खिलाफ क्या सच में लीगल एक्शन होगा, या आपके घर में क्या जो इनका जो फील्ड का एजेंट है जो आएंगे शाम तक, तो इसमें कितना सच्चाई है, क्या ये सच है या सिर्फ आप सभी को गुमराह करने के लिए है। तो आप सभी को पहले ये समझना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए आप सभी को पहले डरना नहीं है, आप सभी को पहले डरना नहीं है, आपको यही सोचना है कि आप अकेला नहीं हो। ठीक है, इंडिया में आप अकेला नहीं हो जो लोन लेके आप दे नहीं पा रहे हो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ये आप लोग समझिए, आप लोग अकेला नहीं हो डिफॉल्टर, आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोन डिफॉल्ट कर चुके हैं। तो मे भी कंपनी के पास, मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है मैं बोलता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है, बट कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके खिलाफ़ जो है जाके लीगल एक्शन ले। सिंपल सी बात है, अगर आपके खिलाफ़ जाके केस भी करेंगे ना तो मिनिमम अमाउंट 2-4 लाख होना चाहिए, फिर भी करेंगे या कोई गारंटी नहीं। अगर आपके खिलाफ़ केस भी करते हैं ना तो केस सॉल्व होने के लिए 10-12 साल 15 साल लग जाएगा, क्योंकि बहुत केस ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, तो कंपनी के पास जो है इतना टाइम नहीं है आपके खिलाफ़ जाके केस करे। वो लोग रिपेमेंट लेंगे या आपके खिलाफ़ जाके केस करेंगे, आपको पहले ये बात समझना है। तो लीगल एक्शन का बात जो करते हैं सब झूठ है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं होगा, और जो आपको कॉल करके उनका जो कलेक्शन एजेंट वगैरह होते हैं जो बोलते हैं शाम तक घर पे भेजेंगे एजेंट को, एक बार एजेंट को जल्दी पैसा भर दो। ठीक है, उनको सीधा एक बात बोलो, भाई तुम किधर से बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, बेंगलोर से, दिल्ली से, मुंबई से, किधर से तुम यहाँ पे शाम तक पहुँचोगे, क्या टेलीपोर्ट होके आओगे मेरे घर में? मेरे घर में टेलीपोर्ट होके आओगे? अगर आओगे भी तो क्या करोगे, मेरे पास तो देने के लिए पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है वो किधर से पैसा देगा? ठीक है, आप लोग तो हमें फंसा चुके हो लोन के ट्रैप में। ठीक है, गरीब इंसान जो है वो लोन लेके दे नहीं पाता, मुझे पता है, आप सभी को पता है, आपके साथ जो ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर इसका लोन हम लोग तो दे नहीं पा रहे, आप लोग अगर ज़बरदस्ती करोगे, हैरेसमेंट करोगे, उससे ज़्यादा क्या हैरेसमेंट अगर करोगे हम लोग क्या आपको जो है पैसा दे देंगे? ऐसा नहीं ना। तो आप सभी को डरना नहीं है, ऐसा नोटिस अगर आप सभी को आता है तो आप सभी को डरना नहीं है बिल्कुल, ये सिर्फ आपको याद रखना है, ये सिर्फ आपको डराने के लिए है और कुछ भी नहीं, आप सभी को गुमराह करने के लिए है, डराने के लिए है, ताकि आप लोग डर जाओ। ठीक है, फिर इनके जो है लोन को क्लियर करने के चक्कर में आप दूसरे किधर से जाके उधारी उधारी करो, दूसरे किधर से जाके उधारी लो, तो ये गलती बिल्कुल करना नहीं है। जब आपके पास होगा, जब आपको लगेगा हाँ मैं अभी एबल हूँ पैसा देने के लिए, मैं अभी एबल हूँ, मेरे पास पैसा है, तभी देना, बाकी का नहीं तो टेंशन मत लेना। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।